वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास परमजीत सिंह भट्टी, पिंड डसका, जिला संगरूर, तहसील लहरा गागा। हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच आपां मरीजां नूं मिलदे हां, जिहड़े छोटियां तों लै के वड्डियां बीमारियां दे नाल कई कई सालां तों जूझ रहे आ, ठीक नहीं हो रहे। थां थां ते जा के दवाइयां खा के शरीर खराब कर लिया, ठीक नहीं हो रहे। वो हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच मैनूं मिल के अपनी नब्ज दिखा के देसी जड़ी बूटियां नाल बनिया हुई दवाइयां नाल अपने रोगों का गरंटी दे नाल इलाज करवा सकते हो। ये डसका पिंड है जिहड़ा, ये संगरूर जिले का पिंड है। तहसील है जिहड़ी वो लहरा गागा है। नेड़े शहर बुढ़लाडा भी है, नेड़े शहर सुनाम भी है, नेड़े शहर बरेटा भी है, लहरा गागा भी है। तुसी हर ऐतवार नूं सवेरे 7 बजे तो लैके शाम दे 7 बजे तक मैनू मिल सकते हो, जिहड़े किसी भी बीमारी नाल भावें जूझ रहे हो। अज जिहड़ा विशा है वह है मेरियां बीबियां भैणां मातावां वास्ते, क्योंकि साढ़े आम बीबियां माइयां भैणां नूं घर दे विच असीं वेखदे हाँ भी एक आम रोग वेख्या जांदा, वह है लकोरिया। हैगा आम रोग है, पर जिस तरह बंदे नूं धात खत्म कर देंदी है, एवें लकोरिया जिहड़ा लेडीज नूं बिल्कुल सुंदरता खत्म कर देंदा है, उहदे शरीर नूं बिल्कुल खत्म कर देंदा है, शरीर सुक जांदा है, चेहरा बदसूरत होण लग जांदा है, सुंदरता खत्म हो जांदी है औरत दी। कम नूं जी नहीं करदा, लक च दर्द रहेगा, शरीर डिगू डिगू करदा रहेगा, किसे पासे भी बल्कि उहनूं सुख नहीं है जिहनूं ये प्रॉब्लम है लकोरिए दी, पानी पैण दी। सो कईयां दा फोन आउंदा वी घर दे विच नुक्ता दसो। सो जिहड़ा मैं अज नुक्ता लकोरिए वास्ते दसन लग्गिया भैणां बीबियां मातावां वास्ते, मैं शर्त नाल गरंटी नाल चैलेंज नाल ये गल कहना, 1 महीना ही ये नुक्ता वरत लो, जिंदगी च तुहानूं कदे पानी नहीं पएगा, कदे लकोरिए दी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे तो गरंटी स्टाम्प पेपर ते लिखा के लै लो, 10 लाख तक का मैं इनाम देऊंगा जे नुक्ता कम ना करे। बाकी जिहड़े नहीं बना सकते वो हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच मैनूं मिल के तुहाडे लेडीज दे जिन्ने भी रोग ने, चाहे वह लकोरिया पानी पैंदा, चाहे चिट्टा पानी पैंदा, चाहे खून पैंदा, चाहे जिड्डा मर्जी पुराना लकोरिया है, चाहे किसी दे बच्चा नहीं हुंदा, मैनस पीरड़ां दी दिक्कत है, शुकराणुआं दी दिक्कत है, बच्चेदानी दे विच रसौलियां ने, ट्यूबां ब्लॉक ने, अंडा सही नहीं बनता, भैणां दे जिन्ने भी रोग ने गरंटी दे नाल पिंड डसके दे विच नब्ज देख के आपां इलाज करदे हां। तुसीं हर ऐतवार नूं मैनूं मिल के गरंटी दे नाल अपने रोगों का इलाज करवा सकते हो। सो अज है जिहड़ा ये लकोरिया, लकोरिए दे विच जिहड़ी दवाई बनाउणी है नोट कर लो, नागर मोथा लैणा है इहदे विच 100 ग्राम, रसौंत लैनी है 100 ग्राम, किक्कर दी फली लैनी है 100 ग्राम, भाठा लैना है 100 ग्राम, सुपारी टुकड़ा लैना है 100 ग्राम, बिलगिरी लैनी है 50 ग्राम, बिधारा लैना है 50 ग्राम, लोध पठानी लैनी है 50 ग्राम, समुंदर सौख लैनी है 50 ग्राम, तवा शीर लैनी है 50 ग्राम, काहू लैना है 50 ग्राम, फुल गुलाब दे लैने है देसी दे 50 ग्राम, धनिया लैना है 50 ग्राम, सर्द चीनी लैनी है 50 ग्राम, चिट्टा सुरमा लैना है 50 ग्राम, कौल डोडे लैने है 50 ग्राम, सेल खड़ी लैनी है 50 ग्राम, चिट्टा जीरा लैना है 50 ग्राम, इमली दे बीज लैने है पहाड़ी दे 50 ग्राम। ये सारिया चीज़ां नूं चंगी तरह बरीक पीस लैना है। 1 चमचा दवाई सवेरे खाली पेट निरने कालजे पानी नाल लैनी है, 1 चमच दवाई लैनी है दोपहरे निरने कालजे पानी दे नाल, ते 1 लैनी है रात नूं रोटी तो घंटा पहला। 3 टाइम ये दवाई लैनी है, मेरे तो स्टाम ते गरंटी लिखा के लै लियो। जिड्डा मर्जी चाहे 20 साल पुराना लकोरिए दा रोग है, मैं गरंटी लिख के देन नूं तैयार हाँ, 1 महीना दे दियो, जिड्डा मर्जी पुराना लकोरिया, मैनस पीरड नहीं आउंदे, जिड्डा मर्जी खून पैंदा पानी पैंदा, लकोरिया जिन्ना मर्जी पुराना है 1 महीने दे विच बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इहदी गरंटी मेरे तो लिखा के लै लियो। चाहे घरे नुक्ता बना लो, चाहे मेरे तो आके ऐतवार नूं लिजा सकदे हो। सो ये आप वरतो, होरां नूं अगे दसो, बाकी ये वीडियो अगे जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि साडियां मातावां भैणां
घर का श्रृंगार ने, सो उन्हां तक ये वीडियो जरूर पहुँचाया करो ता जो हर एक का भला हो सके। कई घरे बना सकते उन्हां दा घरे बैठिया का भला होजू। कई बेचारे उजड़ रहे है किन्ने किन्ने सालों तो ठीक नहीं हो रहे, वो इत्थे आके ठीक हो जाएंगे ता भी साडी सेवा लेखे लग जूगी। इस करके हर एतवार नूं पिंड डसके च आपां मिलदे आ, अगे दस्या करो, बाकी वीडियो नूं अगे शेयर करिया करो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो क्योंकि हर एक वीडियो तुहाडे कोले पहल दे आधार ते पहुँच सके। तुहाडा सब दा धन्नवाद जिन्हें भी साडे नाल जुड़े हुए हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।